साहब, बड़ी मुश्किल से फाइल मिली। ये फाइल तो 20 साल पहले ही बंद हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ये चारों के चारों फांसी चढ़ चुके हैं। जाओ चाय लेके आओ। जी साहब। नाम लॉरेंस डिसिल्वा, उम्र 28 साल, आरोप मर्डर, सजा फांसी। नाम अभय दीक्षित, उम्र 27 साल, आरोप मर्डर, सजा फांसी। नाम अमर शर्मा, उम्र 26 साल, आरोप मर्डर, सजा फांसी। नाम नाजिर अहमद, उम्र 25 साल, आरोप मर्डर, सजा फांसी। चल बेकार है यार, ये लड़कियों को भगवान ने इतना खूबसूरत क्यों बनाया? ताकि हम जैसों की तादाद बढ़े। अरे माँ कसम, तेरी आइटम क्या लग रही है। देख बाप यार, दिल की बात बोल दूं क्या आज? अबे जाके बात तो कर, पहले पीछे मत आना। हाय, क्या काम है? ये देख पता रुक सर, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे बताया तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? यही ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? हाँ। नमस्ते भाभी। तुम लोग क्यों आए यार? कौन भाभी? किसकी भाभी? अरे आप तो नाराज हो गई। क्या कमी है हमारे अमर में? पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम्हें दिल से चाहता है। हाँ यार, ये बात तो सही है। चाहता है? चाहत से क्या होता है? जीवन जीने के लिए चाहत नहीं, रोटी चाहिए। और ये मुझे क्या दे सकता है? न रोटी, न कपड़े, न जेवरात। आप सब इसके दोस्त हो ना? किसी के पास न ढंग का काम, न जीवन जीने का जरिया। जाइए, पहले कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। मारपीट छेड़छाड़ करने से समाज में बदनामी होती है और बदनाम आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। सुनो तो, वैसे भी ना भली ना बुरी, ये मेरी जिंदगी ऐसे भी वैसे भी ना भली ना बुरी। दिल जो चाहे करो ना मैं किसी से डरूं, दिल जो चाहे करो ना मैं किसी से डरूं। है गलतियां सही, है ये मर्जी मेरी, ये मेरी जिंदगी ऐसे भी वैसे भी ना भली ना बुरी। है ये मेरी जिंदगानी, बस खुला राज है। मेरे जीने का अपना अंदाज है, ये मेरी जिंदगानी, बस खुला राज है। आसमान से शुरू मेरी परवाज है, दोस्तों से जो की तो है की दोस्ती, पर हुई दुश्मनी तो हुई दुश्मनी। ये मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी ऐसे भी वैसे भी ना भली ना बुरी। भाभी चाय। दो ही हाथ है मेरे, देती हूँ। ओम नमः शिवाय। मालती, इससे कहो रात को ज्यादा ओवर टाइम न किया करे, जल्दी घर आया करे। अरे कब तक तुम्हारी वजह से मैं यह सब भुगतता रहूंगा? कब तक तू शराब पीकर लड़कियों को छेड़ता रहेगा? अरे बाजार में किसी बूढ़े का मजाक उड़ाते फिरेगा, किसी को घर से बेघर कर दोगे, और मैं अपना मुंह छुपाता फिरूं? आप अपनी बुजदिली से मुंह छिपाते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या क्या कहा तुमने? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन हरकतों को मैं जस्टिफाई करूं? देखो अमर, मैं शराफत और इंसानियत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। आपकी शराफत और इंसानियत एक ढोंग है, अपनी बुजदिली छिपाने का एक नकाब है। जब मुझे नौकरी से निकाला गया तब भी आपने शराफत और इंसानियत की दलील दी थी। तो तुम क्या चाहते हो? मैं सीधी तरह नौकरी करने की बजाय ये अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूं? तो आप क्या चाहते हैं? मैं भी आपकी तरह मालिकों के तलवे चाटूं? अभय, बड़े भाई से इस तरह से बात की जाती है? सवाल छोटे या बड़े भाई का नहीं है भाभी, बात मेंटलिटी की है। ये लोग अपने आप को गुलाम समझकर काम करते हैं। ये जानना नहीं चाहते जितनी इन्हें नौकरी की जरूरत है उतनी उन्हें भी काम करने वालों की जरूरत है। इसीलिए ये लोग जुर्म सहन करते हैं, और ना सिर्फ जुर्म सहन करते हैं बल्कि मजबूर करते हैं दूसरों को भी जुर्म सहन करने पर। जब मैंने वर्कर्स के हक में आवाज उठाई तब मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तब कोई वर्कर मेरे हक में बोला? अरे गैरों की तो बात छोड़ो, अपना सगा भाई किसी कोने मुंह छिपाकर जाकर बैठ गया। तो तुम उस बात का बदला मुझसे ले रहे हो? अपना हक लड़कर जिसे मांगने की ताकत नहीं है उसे लड़कर मुझे क्या करना है? मेरा एक तरीका है जीने का, और बस मैं ऐसे ही जीऊंगा। अगर तुम्हें इसी तरीके से जीना है तो तुम कहीं और जाकर रहो। इस घर पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा है, और यहाँ की आबोहवा मुझे बहुत रास आ रही है। आपको नहीं आ रही है तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। हाँ हाँ, चले जाएंगे, जरूर चले जाएंगे। जिस दिन हम मकान खरीदने के काबिल होंगे इस नर्क को छोड़ के, हाँ जरूर जाएंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। पी ली ना, अब काम की बात कर। चल हे शाणे, मैं यहाँ तेरे 2 रुपए की चाय पीने नहीं आया हूँ। और फालतू का लफड़ा मत कर। और शेट्टी क्या तेरा बाप लगता है क्या? हाँ मेरा बाप लगता है। चल आगे बात कर। ए लॉरेंस, दिमाग की माँ बहन मत कर, वरना यही तेरे को ठोक दूंगा। ये धमकी है क्या? मैं पकड़ा मारा भाईगिरी करता है। चल साले बाल तू काट के आते नहीं पैसे दू बाल के लिए पैसे दू मारेगा मारेगा और मारेगा और अबे हाथी के बच्चे के बाद छोड़ना नहीं अरे बात की दुकान तेरे को मैं मिलता है अच्छा लगता है मेरे से मार खाना मार दे तू भी निकल चल यही कमर गाड़ी चल इधर भी चल कैसा लग रहा है यहाँ दोस्तों? जैसे कोई दुल्हन पहली बार अपने ससुराल आई है। मतलब भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे। मतलब भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे। हमें तो भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे। हमें तो भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे। हमें तो क्या वाला राम। ए चलो बाहर निकलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। चलो जमानत हो गई अपनी। चलो 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 देख शेट्टी, फालतू के लफड़े में क्यों गिर रहा है? मांडवली कर ले। वैसे भी वो तुम्हारी खुद की जमीन तो है ही नहीं, कब्जा की हुई है। और 10 लाख रुपए कोई मामूली अमाउंट तो है ही नहीं। देख शेट्टी, तू बिना टिकट मुंबई में आया था और 10 लाख रुपए लेके जा रहा है। तेरी किस्मत अच्छी है। चल मांडवली कर ले। मांडवली साहब, 20 साल से मैं वहां बैठा हूँ साहब। वो जगह मेरे लिए माँ बाप है। उसी जगह मैंने अपने दोनों बेटियों की शादी की है। वो जगह मेरे बुढ़ापे का सहारा है जी। वैसे भी मैं यहाँ जगह की मांडवली करने नहीं आया हूँ, उन लोगों की जमानत करने आया हूँ। जमानत हो गई ना, अब छोड़ दो उनको। शिंदे छोड़ रहे तन्ना। ए चलो उठो उठो उठो, तुम्हारी जमानत हो गई है। देख शेट्टी, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, एक बार फिर सोच ले। मैं सोचूंगा, अभी जाऊं? हाँ। हाँ। बस बस बस, आ गए मेरा घर। करीता आओ। सर छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? मेरा घर है यहाँ। अच्छा मैं कल मिलती हूँ आपसे। ओके ठीक है। ओके बाय। बदमाश बना रखा है। उस हरामजादे के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात है? और तुम्हें ऑफिस में काम करने की तनख्वाह मिलती है या रात को ओवरटाइम भी करनी पड़ती है? अमर, ये क्या बक रहा है तू? माँ तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है। लेकिन मुझे पता है, माँ ये ऑफिस के अलावा उस हरामजादे के साथ क्या क्या रंगरलियाँ मनाती है ये मैंने देखा है। मैंने इसे होटल में जाते हुए देखा है उस हरामजादे के साथ। अमर! हाँ, अब तो ये खुले सड़कों पर उस हरामजादे के साथ रंग ढंग करने लगी है। इसके चाल चलन की वजह से लोग मुझे ताना देते हैं माँ, मुझे। मेरा बॉस वो रास्कल अपने आप को क्या समझता है? उसे क्या लगता है उसके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है तो दुनिया भर के लोग उसके बाप के नाम पर हो गए, किसी भी लड़की के ऊपर वो हाथ डाल सकता है, ऐसे लगता है उसे? अमर, ये क्या बक रहा है तू? ये वही लोग हैं माँ जिन्होंने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। अपने पैसों के जोर पर हमारी खुशियाँ छीनते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन वो मेरे हाथ पड़ गया ना, जान से मार डालूंगा उसे, जान से। अगर तुम उन्हें मार नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारा चीखना, ये चिल्लाना, ये सब एक हारे हुए इंसान का रोना है, वरना उन्हें रास्कल कहने से पहले और मुझे भला बुरा कहने से पहले एक बार सच जानने की कोशिश जरूर कर दे। आज मेरी शादी की उम्र हो चुकी, क्या बाकी लड़कियों की तरह मेरे कोई सपने, कोई अरमान नहीं है? लेकिन मैं तो अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती ना, क्योंकि मैं अगर इस घर से चली गई तो इस घर को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे तुम सब लोग। और तुम मुझे नैतिकता सिखाओगे? अरे अगर इतनी फिक्र इस घर की और अपने बहन की इज्जत की तो जाओ जाकर पहले एक नौकरी ढूंढ कर लाओ, तब जाके इस घर में अपना हक जताना। और हाँ, एक बात सुन लो, तुम जैसे बेकारों के भावनाओं की कीमत मेरी नजर में तो कौड़ी की भी नहीं है, याद रखना। तुम शर्मों की तरह मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अब तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं रहे। लाखों का नुकसान हुआ सो हुआ, ऊपर से मेरी नाक भी कट गई। मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। देशमुख। यस सर। कौन थे वो लड़के? मालूम नहीं। पता लगाओ। जी। काम के लगते हैं, और उन्हें एक काम भी सौंप कर देख लेना। काम है, एक का गेम करना है। कौन करेगा? आप ही करोगे। क्या सोच के बोला गेम हमको करना पड़ेगा? क्या समझा क्या हमें? अरे मैं जानता हूँ आप लोग बेरोजगार है, तुम्हें काम चाहिए, इसीलिए मैं काम लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। अरे ये तो सिर्फ एडवांस है, काम हो जाने के बाद तुम्हें 1 लाख और दूंगा। 1 लाख रुपए? तू चुप बैठ रहे, काय को बीच में बोलता है? ए नहीं, हमको इस झंझट में नहीं पड़ना है, अपने पैसे उठाओ और चलते बनो। चल चल निकल। देखो तुम लोग एक बार और सोच लो। अबे लॉरेंस रोकना यार उसको यार। चुप बैठो, मारू क्या? क्या देशमुख, काम हुआ क्या? नहीं नहीं। क्या मतलब हो जाएगा? हाँ। चिंगारी लग चुकी है, आग भड़क जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं सर, बैठ के तमाशा देखिए। तुम लोगों को लगता है मैंने गलत किया है? हाँ हाँ गलत किया साला, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तेरा? बिगाड़ा बिगाड़ा कुछ नहीं बे, आजू बाजू के मोहल्ले में हम लोगों का नाम इतना बड़ा हो गया कि अच्छे अच्छे शाने लोगों के तंबू में घबराहट होने लग गई है। तो क्या करने का सुपारी का? करने का क्या, आर या पार बस, आर या पार बस। हैं डोंगरी के छोकरे लोग जो करते हैं और वही हम लोग करेंगे, तो उनमें और हमें फर्क क्या है? अरे तो फर्क पैदा करना, घाघरा चोली पहन के घूमते फिर, किधर बच्चा पैदा हुआ है, किधर शादी हो रही है। देख देखना से, एक बार गुनाह के कीचड़ में घुस गया ना तो निकलने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ेगी, और वैसे भी ये अपनी जिंदगी का मकसद नहीं है यार। बहुत बड़ा डायलॉग मारा दोस्त, बहुत बड़ा, जिंदगी मकसद। बोल यार तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? साले गली का कुत्ता तक नहीं पूछता अपन को, ये जो शराफत के कपड़े हैं ना तो बेकारी का कीचड़ लगे लाए। जैसे भी है मस्त है हम लोग। अरे क्या खाक मस्त है, अंदर से बाहर तक हालत पतली है अपन की, तो वो के खाने के वांदे अपन के खाने के, समझा? साला पैसा रहेगा ना फिर देख क्या ठाट होगी। अरे दूसरों का छोड़ तेरा खुद का देखना, दुनिया से सलाम वसूल करेगा, और तो और सीना तान के चलेगा वो अलग। जिंदगी का मकसद यही ठाट है, यही ताकत है और यही इज्जत है, और अगर इसी इज्जत को संभाल के रखना है ना तो अपन को सुपारी लेनी पड़ेगी। लॉरेंस नासिर ठीक कह रहा है, 100 दिन बदनामी की जिंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन इज्जत की जिंदगी जिए। ये इज्जत का एक दिन भारी पड़ेगा तुम सबको। ये देख तुम लोगों को आने का तो आओ, नहीं तो मैं जाएगा अकेला। क्या हो गया है तुम लोगों को? दूसरा कोई तबाही की हड्डी फेंकेगा और हम लोग दुम हिलाएंगे? हाँ यही चाहते हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं होता, शीशे में माल हो तो कुछ नहीं होता, खाना पीना ऐसो आराम, ये इसके नीचे गाड़ी होगी ना, सामने सोने की थाली होगी, तो माँ नहीं पूछेगी बेटा पैसे कहाँ से लाया, बहन नहीं पूछेगी कहाँ से पैसे लाया, समझाना यार। लोग कहेंगे भाई की बहन जा रही है, भाई की जोरू जा रही है। अरे थूकेगी हम पर जब उसे ये पता चलेगा ना कि हम लोग स्मगलर के लिए काम करते हैं। अरे कोई नहीं थूकेगा, अपन बोलता है ना कोई नहीं थूकेगा, माल मांगता है बस, माल 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 लेकर क्या कब्र में जाएगा क्या? अरे कब्र में जाएगा या गटर में जाएगा बोल, तू आएगा की नहीं? नहीं साला समझता ही नहीं। छोड़ यार नासिर, उसका दिमाग खराब हो गया यार, अपनी दोस्ती में इतनी गहराई नहीं है, एक को थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे को दुख नहीं होगा। ये देख अब इसको देख, दोस्ती की बात करता है। साले तुम जैसे दोस्तों की वजह से ही यहां तक पहुंचा हूं मैं, और तुम्हारी दोस्ती की वजह से क्या क्या किया है मैंने ये मैं जानता हूं। साला रंडेबाजी करवाया, चोरी किया, डाका डाला, दोस्ती की बात करता है। अभी कब करने का ये बोल, देखता क्या है? अभी गले में लग रहा बोल देता हूँ। बस क्या है, दोस्ती की बात करते हैं साले, दोस्ती की बात। Brave hearts, nation, big things. Luciano, Overlord, M.O.B. Come, let's go. जसं जीवात जीव घुटमळ तसं फिरतीचं वाढतंय बळ. तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ हगन हे बघून दुश्मन जळ. चल ग राणी गाऊया गाणी फिरूया पापुरा संग. तुझं नि माझं जुळ मंड्या मंड्या. तुम्ही लोक तिथं झंपर बघताय, पाणी थेंब थेंब करतोय. अरे पर आम्ही झंपर बघायला लागलो पाणी बाधा बाधा गळे. सुंदर मुखडा सोन्याचा तुकडा कुठं हा घेऊन जावा. I need an encore, y'all. You should welcome me back. You wanna ball till you fall, I can help you with that. Sag down to my feet, AK is my heat. Heat. My heat. Heat. My heat. Heat. My heat. चल 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 चल. बोल. काम हो गया सर. अच्छा, मतलब लड़के काम के निकले. रख लो उन्हें. ठीक है. हाँ, क्या नाम है तेरा? श्याम शर्मा सर. बाप का नाम बताते हुए शर्म आती है क्या? पूरा नाम बता. चल. जी, श्याम गोपाल शर्मा. श्याम गोपाल शर्मा. अच्छा, डिस्को बार में कब से काम कर रहा है? 3 साल से. 3 साल से. अच्छा, ये बता, जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में क्या जानते हो? जी, कुछ भी नहीं. ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंदर डाल दूंगा. जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में क्या जानते हो? जी सर, हम उन्हें अविनाश भाई बुलाते थे. किसने मारा उसे? ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, 3-4 लड़के थे जो पहली बार डिस्को बार में आए थे. 3-4 लड़के हैं. बोल, इस नंबर पे कॉल क्यों किया? सर बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? वो अविनाश के मर्डर की इंक्वायरी जोरों से चल रही है। चलने दो, मेरे को क्या करना उससे? सर आपको सावधान करना मेरा फर्ज है। हाँ ठीक है, वापस इस नंबर पे फोन मत करना। देखिए इंस्पेक्टर। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर, अविनाश मेरा भाई था। हाँ मैं जानता हूँ। उसका किसी ने खून किया है। ये भी जानता हूँ। तो आप बता सकते हैं उसका खून किसने किया? हाँ ये नहीं बता सकता। अगर मैं 50,000 रुपए खर्च करूँ तो? इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूँ जिस किसी ने मेरे भाई का खून किया है उसका आप एनकाउंटर कर दो। मामूली सी बात है मेरा साहब, काम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, मेरा भाई बहुत सीधा साधा आदमी था। मेरा साहब, हर आदमी को अपना रिश्तेदार सीधा साधा ही लगता है। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी पर शक है क्या? एक ही शख्स ऐसा है जो ये सब करवा सकता है। कौन? रुद्रप्रताप सिंह। लेकिन वो क्यों करेगा? क्योंकि वो अपना रास्ता साफ करना चाहता था। मतलब ये कि रुद्र प्रताप और मैं कई सालों से एक ही इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमेशा मैंने उसे मात दी है। लेकिन इस साल मैंने अपने भाई को इलेक्शन में खड़ा करना चाहा था। क्यों? अचानक से ये बदलाव क्यों? क्योंकि मैं उसी एरिया से एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता था। लेकिन उसने आपके भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो जानता था मैं किसी भी तरह से अपने भाई को चुना के लाऊंगा, इसलिए उसने अपने रास्ते का घाटा साफ कर लिया। ठीक है समझ गया मैं। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। थैंक यू। वेलकम। रुद्र प्रताप। पुलिस स्टेशन छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? आदित्य मेहरा को जानते हो? हाँ। तो फिर उसके भाई अविनाश मेहरा को भी आप जानते होंगे। हाँ, लेकिन उसे कोई खास मेल मिलाप नहीं था। सुना है उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, कुत्ते की मौत मारा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, लेकिन मारने वाला भी कुत्ते की मौत ही मारा जाएगा और उसे मैं ही मारूंगा। मारो मारो, खुशी से मारो, धरती से थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि आदित्य मेहरा का शक आपके ऊपर है। तो? और उनका यह भी कहना है कि उनके भाई अविनाश के मर्डर में आपका हाथ है। बस इसी सिलसिले में मैं आपसे इंक्वायरी करने के लिए आया हूं। इंस्पेक्टर, हाथ नहीं पैर भी है और पूरा मैं भी हूं। ये राजनीति है, तुम्हारे बस की बात नहीं। वो मदारी बनकर नचा रहा है तुम्हें बंदर की तरह, तुम नाच रहे हो उसकी ताल पर। कौन किसे नचा रहा है उसका तो पता चल ही जाएगा। हाँ लेकिन जिस दिन मैं नचाना शुरू कर दूंगा उस दिन पसीना निकाल दूंगा। जिस दिन, चलो उस दिन देखते हैं। साहब ये चारों इंस्पेक्टर, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि वो चारों ये मेरे कार्यकर्ता है। नमस्ते साहेब। जाओ। इंस्पेक्टर, अगली बार जब यहाँ आओगे तो ठोस सबूत साथ लेकर आना, वरना पसीना मैं निकालूंगा। ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया था और हमें क्यों घूर रहा था? डिस्को मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए। डिस्को मर्डर केस की इंक्वायरी? अरे छोड़ो ना यार इन बातों को, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई भी तुम्हारा बाल भी नहीं बांका कर सकता। चल यार काम की बात करते हैं। एक को टपकाना है। पैसा? 2 पेटी। नाम? आदित्य मेहरा। मतलब अविनाश मेहरा का भाई। सही पहचाना। काम हो जाएगा। मिलेगा कहाँ? रोज ऑफिस जाने से पहले वो मंदिर होकर जाता है, वो रास्ता बहुत ही सुनसान है और वही एक जगह है जहां उसे टपकाया जा सकता है। ये ले पत्थर, दे। जल्दी बोल, कहाँ है वो? क्या पोजीशन है? वो नीचे आया है, गाड़ी में बैठ रहा है। क्या? लॉरेंस डिसिल्वा का फोन है। कहाँ पहुंचा? एक मिनट, फोन कट कर। शिट यार, तो चल जल्दी, तेरे को बोला था ये खटारा मत लेके आ। चल तू लॉरेंस से बात कर। लॉरेंस? हाँ बोल। आगे टर्न है, हम लोग वही पे उसको ब्लॉक करते हैं। फिर से उसका फोन है। फोन कट करना है। हो सकता है कोई जरूरी बात करनी है, एक बार देख तो लो। मारो मत उसे, जाने दो। चला तो रहा हूँ, वो इतना बुरा है तो मैं क्या करूँ? क्या हुआ रे? छोड़ा क्यों उसको? इससे पूछ। रुद्रप्रताप का फोन आया था। क्या बोला? बोला नहीं मारने का। अरे यार क्या? मगर क्यों? मेरे को क्या मालूम, चल के पूछता उससे। मैं बाइक लाता हूँ, जा लेके। ठीक है चल, चल रहे। आपने ऐसा क्यों किया? ये राजनीति है, कभी कभी उल्टे फेर करने पड़ते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आप ही के कहने पे हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क उठाया था। ये औकात में रहो। अच्छा, सब कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जिंदगी के हर मोड़ पर छोटे मोटे रिस्क उठाने ही पड़ते हैं। सो तो ठीक है, लेकिन आपका खेल तो पर्दे के पीछे वाला है। ये तो सपेरे वाला खेल हुआ ना, इधर आपने बीन बजाई और हम उधर नाचते रहे। मुझे फिजूल बातें पसंद नहीं है। छे, तुम तो गिरगिट की तरह कभी भी रंग बदल सकते हो और ऐसे आदमी के लिए हमें नहीं करना काम। ये देख, ये फिर से जयपुर वाले की याद में बैठा है। ओए मजनू, फिर से जयपुर वाले की याद आ गई। देना इसे, हाथ मत लगाना। देना बस क्या दे। अच्छा तू एक बात बता मुझे, जयपुर वाली बहुत खूबसूरत थी क्या यार? बोलना, बोल तो सही, कहाँ मिली थी तेरे को? कहाँ मिली थी और तूने क्या क्या किया है? अबे यार तू हमेशा लाल ओढ़नी लेके बैठा रहता है, तू जाके लाता क्यों नहीं उसे? Thank you. रुद्रप्रताप सिंह हमसे चाहता क्या है? पहले कहता है आदित्य मेहरा का गेम करो, फिर खुद ही पलट जाता है। यार इस रुद्रप्रताप से दुश्मनी लेके हमने गलती तो नहीं की ना? ये आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। डरना हमें नहीं उसे चाहिए। हाँ? अविनाश मेहरा को किसने मारा, किसके कहने पर मारा, ये सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन हमारी इस बात का विश्वास करेगा कौन? भाई साहब, आप में से लॉरेंस किसका नाम है? हाँ, क्यों? मैं एक बिल्डर हूँ। मेरा घाटकोपर के अंदर एक प्लाट है। काम बोल काम। जिसे गुंडों ने कब्जा कर रखा है। मैं उन्हें कुछ रुपए देना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो जगह खाली करने तैयार नहीं है। मार्केट प्राइस चाहते हैं मुझसे। उस जगह की मार्केट प्राइस करीबन 2 करोड़ रुपया है। मैं उन्हें जो रुपए देने वाला था वो मैं आपको दे देता हूँ, आप जगह खाली करा दीजिए। कितने? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? 2 करोड़ की जमीन का सिर्फ 2 लाख रुपए? बहुत कम है। भाई साहब मैं जानता हूँ ये काम आप एक दिन में कर सकते हैं, और एक दिन में 2 लाख रुपया मेरे हिसाब से ठीक है। बस रोको, यहीं पे रोको। आइए आइए, नमस्ते। हेलो, आइए माजी, आइए। ये लीजिए पैसे। चलिए चलिए, सब साफ करके रखा है मैंने। आइए। मत तुम जाओ, मैं सामान लेके आती हूँ। चलिए चलिए, आइए। भैया सामान निकालिए जरा। आइए। हाँ, यहाँ आप ही का इंतजार। संभाल के दीजिए। ले ले, साला सुधरेगा नहीं। लालची लॉरेंस भैया, पाटिल के यहाँ पे कोई नया किराएदार आया। साला जिसका डर था वही हुआ। चल देखते। चलो चल। जरा हाथ लगाइए। वो देखो। कौन है भैया? पूछ लो। दीजिए आराम से। ये लड़की तो बड़ी बेशर्म है यार। हंस रही है पागल। आज हंस रही है, कल भाग जाएगी। लॉरेंस, अपने रहने के वांदे हो गए यार। चिंता मत कर, इसको तो हम भगा कर छोड़ेंगे। लाइए। टावर कब बनेगा? तो आपको क्या करना है? आप तो खाओ पियो ऐश करो, हम तो बैठे हैं ना। अरे तो बैठे बैठे हर चीज चाहिए ना। अरे तो हर चीज मिलेगी आपको, यहाँ हर चीज मिलेगी। तो आपको क्या करना है? खाओ पियो ऐश करो बस। पप्पू कहाँ गया रे? कहाँ गया पप्पू? अरे ये रहा तुम्हारा पप्पू। मारो साले को। भाई को मारेगा तू इधर तो इधर ही कमर बना डालूंगा तेरी, फिर ही खड़ा कर डालूंगा साले उसके ऊपर। जगाड़ पेगा तेरी तू है यार। साला सोता है तो क्या मेहरबानी करता है क्या मेरे पे? हाँ साला बीवी हूँ क्या मैं तेरी जो टांग डाल के सोता है? हाँ कुत्ता साला। सर फट रहा यार, कल ज्यादा हो गई। कल बहुत ज्यादा हो गई यार। साला सवेरे सवेरे तेरे को चाय किसने दी? हाँ ऊपर वाले को मानता है क्या? सो जा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे लगी चाय आपको? बाय। अबे ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाली है। बोलो पटेल साहब, कैसे क्या आना हुआ? लॉरेंस और उसके मवाली दोस्त मेरे भाड़ेत्री को बहुत तंग करते हैं। कल रात को पीकर बहुत हंगामा किया उन्होंने, पूरी बस्ती परेशान है उनसे। अब आप भी कुछ करो साहब। ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं देखता हूं क्या करना है। थैंक यू। बताओ वर्मा, और क्या हाल है? बोलो। अरे यार, धंधा ठीक नहीं चल रहा है बॉस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस ईशा। यस मिस ईशा। सर वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी सर। अरे डोंट वरी मिस ईशा, ये मेरे खास दोस्त रुद्रप्रताप सिंह हैं। और ये हैं न्यूली अपॉइंटेड लेबर ऑफिसर, वेरी टैलेंटेड मिस ईशा। अच्छा बैठिए। हेलो प्लीज बैठिए। या थैंक यू सर। सर मुझे अपने पहरेदार हरि सिंह के केस के बारे में आपसे बात करनी थी। हरि सिंह? उसके बारे में क्या? उस कमीने को उसके गंदी हरकतों की सजा मिलनी ही चाहिए थी। एक बात बताइए मिस ईशा, आपकी बातों से हरि सिंह के लिए काफी हमदर्दी नजर आती है। नो सर, नेवर। लेकिन सर मैनेजमेंट ने जो हरि सिंह के बारे में जो स्टैंड लिया है वो सही नहीं है। वो कैसे? अरे भाई लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रुद्र प्रताप। हमारी कंपनी में एक वॉचमैन है हरि सिंह। अच्छा। उसकी निगाह हमारे ही वर्कर की पत्नी, क्या नाम है उसका? लाली सर। दैट्स करेक्ट, लाली पर थी। एक दिन मौका मिलते ही हरि सिंह ने लाली को छेड़ने की कोशिश की। अच्छा। लाली ने यह बात अपने हस्बैंड रामलाल को बताई और रामलाल को इतना गुस्सा आया कि कुछ दिनों के बाद अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हमारी ही कंपनी के कंपाउंड में हरि सिंह की पिटाई की, जिसमें उसके दोनों हाथ और एक टांग खराब हो गई। ओह। अब बेचारा रामलाल तो जेल चला गया। लेकिन ये कमीना हरि सिंह हमारी कंपनी के खिलाफ इस इंजरी के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है। आई डोंट थिंक ही हैज गॉट एनी बिजनेस टू क्लेम सच कॉम्पनसेशन, जो कि उसकी जाति दुश्मनी का नतीजा है। बिल्कुल सही है। अरे कॉम्पनसेशन किस बात का, ये तो सरासर लूट है। सर ये बिल्कुल गलत बात है। सर मेरे ख्याल से लाली हमेशा से अपनी कंपनी के कंपाउंड में अपनी गाय चराने लाती थी। हरि सिंह ने उसे कई बार मना किया मगर उसने नहीं माना। तब जाके हरि सिंह ने उसे धमकी दी कि वो रामलाल की कंप्लेंट मैनेजमेंट में करेगा। तब वो लाली ने ये बात रामलाल से कही होगी और रामलाल ने जाकर हरि सिंह की खूब पिटाई की। जब पिटाई हुई तब हरि सिंह ड्यूटी पे था और मेरे ख्याल से इसीलिए सर हमें उसे कंपनसेशन देना ही चाहिए। एक बात बताइए मिस ईशा, कि आप काम कंपनी के लिए करती हैं या वर्कर के लिए? सर तनख्वाह तो आप देते हैं सर, लेकिन फिर भी मेरा काम दोनों के ताल्लुकात अच्छे रखने का है। आप क्या समझती हैं कि कंपनी का नुकसान करने के बाद हमारे और आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे? सर मैं तो कंपनी का फायदा ही कर रही हूँ। वो कैसे? सर सारे वर्कर्स असलियत जानते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से चुप है। इसलिए सर अगर हमने हरि सिंह को कंपनसेशन नहीं दिया तो सारे मजदूरों का विश्वास मैनेजमेंट से उठ जाएगा और इसका अंजाम तो आप जानते ही हैं। इसलिए सर हरि सिंह को कंपनसेशन देकर हम मजदूरों का विश्वास हासिल कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये काफी सस्ता सौदा है सर। फिर भी आप एक बार सोच लीजिए। ओके मैं चलती हूँ। She is a smart girl. What do you think, Mr. Rudra Pratap? सिर्फ स्मार्ट नहीं, खतरनाक भी है। वर्मा, मैं तुम्हें एक मुफ्त में सलाह देना चाहता हूँ। बोलो। दुनिया में उन लोगों से बच के रहना जो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की बातें करते हैं। भावनाओं में बहकर ये लोग तुम्हें कब डुबो देंगे पता भी नहीं चलेगा और भावनाओं में बहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकती है, हो सके तो उसे जल्दी निकाल दो। यार हम लोग तो उसे गुस्से से देख रहे थे लेकिन वो तो अपने से दोस्ती करना चाहती है, क्या बोलता है तू? हाँ यार, एक बात तो मानना पड़ेगा, इतना बुरा भला बोलने के बाद भी उसने हमारे ऊपर कंबल डाला, पीने को चाय भी रखा। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक कह रहा है, माफी। लेकिन माफी मांगेगा कौन? तू मांगेगा? बोलना क्या हो गया, बोलना। ए चला रे चला, चला निकाय तुम। क्यों, अपन ने क्या किया है? जाहिर सी बात है, कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं होगा तुमने। साहब ने बुलाया है, पाटोड़े बसो लेना गाड़ी। यार इन लोगों का भी हमेशा का मचमच। अरे चलो 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 उठो। अरे अरे चलो उठो, अपनी भी कोई इज्जत है एरिया में, आराम से। ये बड़ा है इज्जत वाला। अरे ना ए चल। अरे आप, मैं यहाँ तुम्हारी जमानत देने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरी उतनी ताकत भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं कि मैंने अपना तबादला करा लिया है। मैं कल सुबह की गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना पता भी नहीं बताऊंगा और तुम जानने की कोशिश भी मत करना। हम दोनों सगे भाई होते हुए भी कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके, इसलिए इस अनचाहे नाते को यही तोड़ना अच्छा होगा। ये रही तुम्हारे घर की चाबियां। खुश हूं मैं, 4 साल बाद फिर से एक नया मोड़ आया है जिंदगी में। 4 साल जब से नौकरी गई, भिखारी की जिंदगी जिया हूं मैं। नाजायज कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि मेरी जड़ें खींचती थी मुझे। भाई, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, सबकी नजरों में कब का तो गिर चुका था मैं। दोनों तरफ से मारा गया था। आज भाई ने रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ा एहसान किया है। आजाद हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं, किसी की परवाह नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। यार तू पार्टी से क्यों चला गया था? हाँ? नहीं यार, उस दिन तो बहुत मजा आया। हाँ वाकई। नहीं तू एक काम करना, तू आके मिलना मुझे। हाँ फुर्सत से बात करेंगे यार। साहब, ओ साहब, साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। हाँ, उसने कुछ भी नहीं किया है साहब। ज्यादा बढ़ गया है। नहीं काफी केसेस है साहब, उसने कुछ भी नहीं किया है। सब सब प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए प्लीज। 1 मिनट। हाँ तू एक काम कर, तू मुझे बाद में फोन करना। प्लीज मेरे भाई को साहब। ओ भाई, आपको समझ में नहीं आता है? 15 मिनट से मेरा दिमाग चाट रही हो तुम। चले जाओ यहाँ से, चलो। सर जरा इज्जत से बात करिए। ए बढ़िया, इज्जत से बात करने वाली तू मुझे सिखाएगी इज्जत से बात करना? इस इंस्पेक्टर खान को सिखाती है किससे कैसे बात करना? इतनी ही चिंता है अपने बेटे की तो दूसरों के घर के सामने दारू पीकर नाटक करता था, तब क्यों नहीं रोका उसे? नाके पे खड़े होकर लोगों को परेशान करता था, तब क्यों नहीं रोका उसे? माँ बहन की इज्जत से छेड़ता था, तब क्यों नहीं रोका उसे? और ये मुझे सिखाएगी इज्जत से बात करना? बढ़िया, इज्जत से बात करने वाली। पहले अपने भाई को सिखा दूसरों की इज्जत करना। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट रुकिए। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए आखिर आपने इन्हें अरेस्ट क्यों किया है? हाँ, जी आप कौन? मैं ईशा कुलकर्णी। अच्छा तो आप हैं ईशा कुलकर्णी। हाँ वो आपके मकान मालिक ने कंप्लेंट की थी कि ये चारों दारू पीकर आपके घर के सामने दंगा मस्ती करते थे, आपको परेशान करते थे। ओह, तो मकान मालिक ने कह दिया और आपने मान लिया? वाह, उन्होंने यही कहा ना कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं। लेकिन क्या मैंने इनके खिलाफ आपके पास कोई कंप्लेंट लिखवाई? देखिए मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन्हें फौरन छोड़ दीजिए। ये रहा मेरा आईडी कार्ड, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। शिंदे, छोड़ दो उनको। That's good. Thank you, sir. Thank you. चलो। हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं। माई तो बचपन से गाती आ रही है। जरा मैं। अच्छा नमस्ते आंटी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ माँ जी। चाहिए मेहरा साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ बैठना बिठाना ही जानते हो या कुछ काम भी करते हो? मुझे लगा था आप मुझे यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कहीं तहकीकात कर रहे होंगे, लेकिन आप तो अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके हैं जैसे कोई नेता अपनी कुर्सी से। वो तब तक नहीं हिलता जब तक उसकी कुर्सी नहीं हिलती। अब कुर्सी हिलाने की बारी तो आपकी है। मतलब ये कि रुद्रप्रताप की बातों से यह पता चलता है कि मर्डर के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। फिर आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए मेहरा साहब, शक की बुनियाद पर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनसे अगर कुछ इस तरह की बातें निकाली तो शायद हम केस की जड़ तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप कुछ और सुराग देंगे तो हम जल्दी ही नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आपका क्या काम है? देखिए मेहरा साहब, अब तक कोई सबूत हाथ में नहीं आया और ना ही किसी का नाम आया, नहीं तो अब तक वो सलाखों के पीछे होते हैं। बस एक बार ये पता चले कि उन्होंने ये काम किसके जरिए किया है तो फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं। सब धंधे चौपट हो गए, करोड़ों का नुकसान हुआ है और तुम पूछते हो परेशान क्यों हो? अरे जब से लॉरेंस और उसके दोस्त हमें छोड़कर चले गए, एक भी ढंग का लड़का अपने पास नहीं है, समझे? कुछ ना कुछ चक्कर चलाओ और उन्हें वापस लेके आओ। लेकिन सर, वो वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनके बस्ती में ईशा कुलकर्णी नाम की लड़की रहने के लिए आई है। हाँ, वो चारों को सुधारने की कोशिश भी कर रही है। क्या? और सर, छोटा मोटा काम भी दिला रही है। रुद्रप्रताप सिंह, आदित्य मेहरा और यहाँ? आइए आइए, आप आए, हमारे तो भाग खुल गए। बैठिए मेहरा जी, बैठिए। थैंक यू। देशमुख साहब के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। जी। कहिए मेहरा जी, क्या सेवा करूं आपकी? रुद्रा साहब, मैं चाहता हूं कि हम हमारी दूरियां कम कर दें, जो भी गिले शिकवे हैं उसे भूल जाए। मेहरा जी, मैंने तो हमेशा आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आपको तो शक है कि आपके भाई का कत्ल मैंने करवाया है। हा? फिर आप मेरे से क्या चाहते हो? रुद्रा साहब, आप तो जानते हो कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है। जहां रात गई वहां बात भी गई। अब मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ। उसके जाने का दुख तो मुझे जिंदगी भर रहेगा, लेकिन रुद्रा साहब, दुखों के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। लेकिन मेरे भाई का कत्ल होने की वजह से लोगों के मन में मेरे लिए एक अजीब सा अपनापन पैदा हुआ है, जिसका फायदा मुझे एमएलए का इलेक्शन जिताने में आसानी से होगा। खैर, वो तो नहीं कल की बात, लेकिन आज तो आपका है। क्या है मेहरा जी, मैं ठीक से समझा नहीं। अगर खुलकर कहेंगे तो ठीक रहेगा ना, आपको नहीं लगता? सीधी सी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, अगर आप चाहे तो। क्या चाहते हैं आप मुझसे? रुद्रा साहब, मैं एक केमिकल फैक्ट्री खुलवाना चाहता हूं और वो सेक्शन आपके अंडर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे केमिकल फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन दीजिए। उसके बदले में मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? मेहरा साहब, आप क्या मुझे पागल समझते हैं? मतलब? अरे मेरा साहब, इतना अच्छा ऑफर मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? थैंक यू। Sorry sir, you must have to talk to me now. I am busy. I can't talk to you. You can go now. Sir, you must have to talk to me if you want to save your company. क्या बकवास करती हो? सर, आपने जो 55 लोगों को काम से निकाला है ना, आपको उन्हें वापस लेना होगा। What nonsense! तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी का बिजनेस कम हो रहा है, हमें ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए। हमने वर्करों को ज्यादा से ज्यादा उनका कॉम्पनसेशन देकर उनको निकाला है। What else? सर, अगर असलियत सिर्फ यही होती ना तो मैं भी उन्हें वापस लेने के लिए नहीं कहती आपको। तो ये वजह नहीं है तो और क्या है? सर, असलियत तो ये है कि अपनी कंपनी के पास इतना सारा काम है कि अपना आधा से ज्यादा काम बाहर की कंपनियों को दिया जा रहा है। वहाँ के ठेकेदारों से माल बनवा के उस पे अपनी कंपनी का सिक्का लगवा के वो माल बाजार में भेजा जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। अगर मैं उनको वापस नहीं लूँ मिस ईशा, तो आप क्या कर सकती हैं? सर, तब मुझे मजबूरन मजदूरों को असलियत बतानी पड़ेगी। You idiot! मैंने तुमसे पहले ही कहा, इस 2 टके की छोकरी को जॉब से निकाल दो। यार, तो ये जब जॉब मांगने आई थी तभी इसे घसीट लिया होता तो आज ये इतनी ऊपर नहीं उठती। राम चादी, हारने से नहीं डरता रुद्रप्रताप, डरता हूं तो हारने की आदत से। लेकिन वर्मा जी, यहां पर हारने का सवाल ही कहां पैदा होता? धंधे में घाटा और औरतों से मात, ये हमारे उसूलों में नहीं बैठता। और वैसे भी आप उस लड़की को निकाल चुके हो। जब तक आपके वर्कर्स को घाटकोपर वाली फैक्ट्री के बारे में पता चलेगा, तब तक वहां से आपके सारे पेपर्स गायब हो चुके होंगे और वहां किसी और का माल बन रहा होगा। जो ऑर्डर मैं पूरा नहीं कर सकता, उन्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। इससे मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन इस निशा की बच्ची ने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। वर्मा, मुझे एक बात बता, एक मामूली सी लड़की भरे ऑफिस में हमें बेइज्जत करे, कंपनी के लिए खतरा पैदा करे और हम कुछ ना करें? ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर ये सत्ता, ये पैसा किस काम का? तो फिर तुम और क्या चाहते हो? मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, सजा दिलाना चाहता हूँ मैं उसे। असली सजा वो होती है रुद्रप्रताप, जो गुनाहगार जिंदगी भर भुगतता रहे। और जब लड़की गुनाहगार हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्यों रुद्रप्रताप? वर्मा, चाहे तो रात भर के लिए सोच लूं। रात भर सोचने की जरूरत नहीं है, वो यही आ रही है। सर, ये वही लड़की है जो लॉरेंस और उसके साथियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। सर, यही मौका है लॉरेंस और उसके साथियों को सबक सिखाने का। ये कहा था उस वक्त। ये चावल गिन रहा था। ईशा, ईशा क्या हो गया मेरी बच्ची? ईशा, ईशा क्या हुआ? कौन थे वो लोग? बता, कौन थे? बता, बोल ना मेरी बच्ची, क्या हुआ? ईशा, ईशा बोल ना, क्या हुआ मेरी बच्ची को? सर, तुम यहाँ क्यों आई हो? सर, आज सुबह मुझे ऑफिस से टर्मिनेशन लेटर मिला है, जिसमें मेरी बदचलनी और मिसबिहेवियर के बारे में लिखा गया है, जो कि सरासर गलत है। मैं चाहती हूँ कि आप वो लेटर वापस ले लें। तो तुम यहाँ सौदा करने आई हो? आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। जी नहीं, मैं यहाँ अपना इस्तीफा देने आई हूँ। और रही सौदे की बात, अगर आप उन 55 मजदूरों को काम पे रखोगे तो मैं यूनियन से कुछ भी नहीं कहूँगी। वो तो तुम यहाँ से जाने के बाद भी किसी से भी कुछ भी कहने के लायक नहीं रहोगी। यही गाल था ना? क्या कर रहे आप? जिस पर तूने थप्पड़ मारा था और जिस बलबूते के ऊपर तुम अपने इज्जत की बात कर रही थी ना, उसी जुबान से तुम अपने इज्जत की भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी तुम। चल। छोड़ दो। जा वर्मा, तू भी मुझे ले ले। सर मैं भी जा तू भी आइस कर ले। जा सर रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसमें इतनी दखल क्यों दे रहे हो। आखिर ये मेरा जाति मामला है। ये तुम्हारा जाति मामला है? मतलब तुम इनसे बातों में दखल मत दो प्लीज। वो हरामजादे तुम्हारी ये हालत करके सजा भी ना पाए और हम उन्हें छोड़ दे, ये चाहते हो तुम? क्यों छोड़ दो उन्हें? ताकि ऐसी हरकत वो हमेशा करते रहे। नहीं, उन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन तुम नहीं दोगे। कौन देगा फिर? तुम दोगी? नहीं, कानून। मैं अदालत जाऊंगी। वो अदालत जहाँ सच और झूठ का फैसला सिर्फ लफ्जों के बल पर किया जाता है। जी नहीं, मेरा विश्वास है कानून पे। जब तक तेरा कानून से पाला नहीं पड़ा ना, ये विश्वास रहेगा। और तुम वहाँ जाओगी तो बहुत पछताओगी। फिर भी तुम्हारा कानून पे विश्वास हो न हो, लेकिन आज वही कानून मेरे सामने पिता बन के खड़ा है, जिन्होंने अनजान लोगों के लिए अपनी जान दे दी। क्या मैं उस कानून से न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकती? बलात्कार साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर अपराधी पूरे सबूत ना मिलने पर छूट जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसे सजा मिले न मिले, लेकिन औरत की बदनामी जरूर होती है। जो बात कोई नहीं जानता, वो बात पूरी दुनिया जान जाती है। एक बार फिर अदालत जाने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। मैंने पूरी तरह से सोच लिया है। अब न मुझे गुंडों की परवाह है, न बदनामी का डर। तुम शायद नहीं जानती कि एक औरत के लिए बलात्कार का मुकदमा बलात्कार से कम नहीं होता। वकीलों के सवाल जवाब इतने गंदे और घिनौने होते हैं कि शरीफ औरतें अदालत में जाने से डरती है। तो आपके ख्याल में हमें चुप रह जाना चाहिए? वकील होने के नाते तो मेरी यही राय है, लेकिन एक औरत होने के नाते हमें इस बढ़ते जुल्म को रोकना ही होगा। हमें लड़ना ही होगा और किसी न किसी औरत को दुनिया के सामने कहना ही होगा। औरत को भी ना कहने का हक है और किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं कि बिना औरत के मर्जी के उसके शरीर को छू भी सके। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें से किसी न किसी औरत को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। और आप चाहते हैं बलि का बकरा ईशा बने? हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ। आज उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की, कल किसी और की करेंगे और बदनामी के डर से हम चुप रहेंगे? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें जेल भिजवा के रहूंगी। मिस्टर खन्ना, यू विल प्रोसीड नाउ। थैंक यू मिलॉर्ड। क्या कोर्ट में आने से पहले आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? नहीं, क्योंकि इन लोगों को इनके पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। लगता है कि आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा कोर्ट से पहले खुद ही सजा देना चाहती है, जेल भिजवाना चाहती है। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के सफाई में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये इनको बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। She wants to take revenge of them. मिस्टर वर्मा जी के कंपनी में मिस ईशा की हरकतें हद से बाहर गुजर रही थी। कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के कैबिन में वो बगैर इजाजत घुसाती थी, बदतमीजी से पेश आती थी। एंड हाइट ऑफ द सिचुएशन 4 अप्रैल को मिस ईशा मिस्टर वर्मा जी के केबिन में बगैर इजाजत घुस आई और वहां किसी मामूली बात पर मिस्टर वर्मा जी के मित्र रुद्रप्रताप सिंह के मुंह पर तमाचा मारा। एंड दैट वाज द हाइट ऑफ हर मिसबिहेवियर। मिस्टर वर्मा जी ने मिस ईशा को नौकरी से हटा दिया। तब वो उनको ढूंढने के लिए उनके फार्म हाउस तक पहुंच गई। वह जाकर मिस्टर वर्मा जी से नौकरी पर वापस रखने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मिस्टर वर्मा जी ने साफ इनकार कर दिया। जब मिस ईशा ने यह देखा कि मिस्टर वर्मा जी ऐसे नहीं मान रहे हैं तो इसने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। मिस्टर वर्मा जी ने फौरन उसे वहां से बाहर निकल जाने को कहा। तब वो सबको धमकाते हुए वहां से चली गई। बाद में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 6 अप्रैल को सुबह पुलिस वालों से पता चला कि मेरे सभी क्लाइंट्स पर मिस ईशा ने बलात्कार का इल्जाम लगाया है। मिस्टर वर्मा जी, आप ईशा देवी से पहले कब मिल चुके थे? जिस दिन ईशा मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी। अच्छा। और मैंने उसका सिलेक्शन किया था। किस पोस्ट के लिए? लेबर ऑफिसर के लिए। अच्छा, यानी कि वो रोज सैकड़ों आदमियों से मिलती होगी। जी हाँ, उसका काम ही कुछ ऐसा था। उसका हर किसी के साथ खुलने मिलने का काम था और वो बड़े खुले विचारों वाली थी, इसीलिए मैंने उसको लेबर ऑफिसर की नौकरी दी। बहुत अच्छे, यानी कि जाने अनजाने सैकड़ों आदमियों से मिलती थी, हंसकर बातें करती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इनका पेशा ही कुछ ऐसा है कि ये रोज सैकड़ों आदमियों से मिलती थी, हंसकर बातें करती थी। आई ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इनके पेशे का इस केस के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन और पेशे का बहुत बड़ा संबंध है और इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर बलात्कार किया भी होता तो एक शर्मनाक भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरे अदालत में आकर उस वारदात की चर्चे खुलेआम करे। वो बेचारी शर्म के मारे मर जाती, चुल्लू पर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन मिस ईशा देवी की मुंह के तरफ देखो, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नहीं है। योर ऑनर, ऐसी औरत के नाम पे कलंक है, मां के नाम पे कलंक है, बहन के नाम पे कलंक है, बेटी के नाम पे कलंक है। I object, Your Honor. I also object to the very presence of such woman in our society. कोई हक नहीं बनता ऐसी औरत को हमारे समाज में रहने का, जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनना चाहती है। मिलॉर्ड, बलात्कार के केस में कोई भी अपने घर या फार्म हाउस पर ना तो किसी लड़की को बुलाता है ना कोई सबूत पीछे छोड़ता है ताकि आगे आकर वो खुद ही उसमें फंस जाए। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसी औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। मिसेस गुप्ता, यू में प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मनाक भारतीय नारी वो है जो इन मर्दों का जुल्म सह के भी कुछ नहीं बोलती, कोई शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो फांसी का फंदा गले में डालकर घुट घुट कर मर जाती है, एक आंसू तक नहीं बहाती। भगवान न करे अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब के बहन की इज्जत लूट ली तो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। तो आप क्या करेंगे? उस बिचारी की जुबान बंद कर देंगे और उसे ऐसे करने पर मजबूर करेंगे कि अदालत का दरवाजा ना खटखटाए? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। नो पर्सनल रिमार्क प्लीज। योर ऑनर, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी नारी पर अत्याचार किया जाता है, उनकी जुबान बंद कर दी जाती है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है। हर रोज किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी इन जानवर की हवस की शिकार बन जाती है, पर डर के मारे वो अपनी जुबान बंद रखती है। और आज उन सब की तरफ से एक औरत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। योर ऑनर, अगर आज इन्हें सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में ये जानवर औरत का शिकार करेंगे और माँ बहनों का रास्ते पर चलना मुश्किल होगा। मिलाड, ऐसे भाषण तो हम रोज सुनते हैं। है कोई सबूत कि मेरे क्लाइंट्स ने इन पर जबरदस्ती या बलात्कार करने की कोशिश की हो? किसी ने देखा है मिस ईशा पर बलात्कार होते हुए? है कोई गवाह जिसने देखा हो मिस ईशा पर बलात्कार होते हुए? योर ऑनर, मैं वकील साहब को बताना चाहती हूँ कि बलात्कार के समय ना तो कोई कानून पास होता है, ना ही पुलिस और ना ही कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई पास होता तो बलात्कार होता ही नहीं। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगी, इजाजत है? इजाजत है। जज साहब, मैं आज आपसे इस देश के कानून से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर सच का कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो क्या वो सच सच नहीं है? अगर आज मैं ये साबित न कर सके कि भगवान है, तो क्या आपका कानून ये इंसाफ देगा कि भगवान है ही नहीं? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूतों पर रखी गई है। भावनाओं का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी कहे, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस केस से तो ये सामने आया है कि ईशा जी अपनी मर्जी से खुद चल करके फार्म हाउस पर गई थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन पर जबरदस्ती या बलात्कार हुआ है। इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं चारों को बाइज्जत बरी करता हूं। कंग्रेचुलेशंस। बेटी, तुम लोग सब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ मैं। माँ, ऐसा मत बोल बेटी, हार चुकी हूँ मैं। माँ, सब ठीक हो जाए। हार गई माँ, सब ठीक हो जाएगा। बचाओ। भाग साले, भागना, भाग, ये भाग। और दौड़ाओ इसे। रुक मत, चल भाग, भाग बोला ना, चल भाग। भगा और भगा इसको साले। खोद में भूत उड़ रहा था ना, दूसरा की चुप से मारेगा तू नहीं बचेगा। नाजिर और थोड़ा थोड़ा में मारना इसको। ये बटले भाग चल और देख भाग चल भाग चले। नाजिर छोड़ के साले को नहीं तो मार। अरे शर्मा जी आप समझ नहीं रहे हैं यार, लाखों का नुकसान हो सकता है। वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, बैंक को इमीडिएटली पहुंचाने हैं और आपको अपनी लगी हुई है। क्या करके आ रहे हैं इस समय आप, जरा बताइए जरा मुझे। अरे यार मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ 9:30 बजे, पहुंच जाऊंगा। बहुत समझा दो, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। ओ डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट, जस्ट डोंट वरी। ये लोग कौन है? ए मर्दा है क्या? इज्जत से खेलने का शौक है ना तुझे? निकल नहीं बचेगा। अरे बचाओ, अरे खोदा ही नहीं तो इज्जत से दे दूं। दूसरों के बहू बेटियों को अपने बाप का माल समझता है हरामखोर। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे ये पकड़ उसको, पकड़ इसको, अपने सारे गुनाह याद आ रहे हैं वो तुझे? तेरे इन गुनाहों की सजा सिर्फ मौत है। लॉर्ड, जिस खून के इल्जाम में हमें इस कटघरे में खड़ा किया गया है, वो चारों खून हम लोगों ने ही किए हैं। हम जानते हैं हम गलत हैं, हम गुनहगार हैं। यस साहब, अपन तो पैदाइशी बेकार था। अपन क्यों जी रहे वही अपन को मालूम नहीं था। वो ईशा थी ना, उसने हम सबको सही रास्ते पे लाए, नुक्कड़ पे से उठा के जीने की राह दिखाई। पहले 9 महीने लगातार हम लोगों ने उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तब जाके पता चला हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जो उनके अत्याचार के शिकार हो चुके थे। माय लॉर्ड, हमने जो गुनाह किए हैं वो ईशा पर हुए अन्याय और अत्याचार का बदला ही नहीं था, बल्कि हम एक अंकुश लाना चाहते थे इस सोसाइटी पर, इस समाज पर, और हमने सोचा कि यही आखिरी और सही जवाब होगा। आप हमें फांसी दे दीजिए, कोई शिकवा नहीं होगा, मगर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ईशा जी जो हमारा आदर्श थी, उसी आदर्श पर जब बलात्कार हुआ तो कानून ने उन्हें न्याय दिलाने में असमर्थता दिखाकर बदनामी के अंधेरे में धकेल दिया। तब हमने ऐलान किया कि उस प्रताड़ित आदर्श को हम अपने तरीके से न्याय दिलाएंगे। उन दरिंदों को मारकर हमने समाज की गंदगी साफ करने की कोशिश की है, मगर हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारा ये जो कानून है ये अभी अधूरा है, इसे और मजबूत कीजिए ताकि हमारे जैसे नौजवान अंधे होकर भावनाओं में बहकर इसे छू ना सके। मेरी आपसे एक विनती है कि समाज पर एक ऐसा अंकुश लगाइए जिससे समाज से हमेशा हमेशा के लिए नफरत मिटा सके। हम आपसे हाथ जोड़कर यही भीख मांगते हैं। तमाम सबूतों और बयानों पर मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन चारों को सजाए मौत सुनाती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। साहब चाय। साहब क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? शिंदे, दुनिया की नजरों में ये चारों मुजरिम हैं, लेकिन मेरी नजरों में ये देवताओं से कम नहीं। ये वही चारों हैं जिन्होंने मेरी माँ पर हुए अत्याचार का बदला लेकर मेरी माँ को इंसाफ दिलाया था। दुनिया इनको कुछ भी कहे, लेकिन ये चारों मरकर भी मेरे लिए अमर है।